हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास रहा होगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की वेबसाइट पे। जो आप जाते हैं, अपना यूएएन एंटर करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और एक कैप्चा जो है लिखा हुआ वाई के वगैरह ये आप डालते हैं। तो ये करने पर जब आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपसे बोलती है कि अपना पासवर्ड अपडेट करें। तो जब आप अपना पासवर्ड अपडेट करते हैं और एंटर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक एरर आता है, एरर इनपुट वैल्यूज डेटाबेस फील्ड्स आर नॉट मैच। तो ये एरर बहुत लोगों में आ रहा है पूरी इंडिया में। ये जो इसका इसका मैं आपको इसी वीडियो में सजेशन दूंगा कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको तीन चार स्टेप्स हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको एरर सॉल्व करने का पता चले। और हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने जाना न्यू टैब पे। इस एरर के आने के बाद आपको अपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको गूगल की आना है सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में और हमें थोड़ा सा जाना नीचे और हमें क्लिक करना है कुकीज एंड अदर साइट डेटा पे। यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्लिक करना है सी ऑल डेटा। तो यहाँ पे हमें अपनी ये वाली साइट सर्च करनी है जो है एम्प्लॉयज। इस साइट का हमें नाम रखना, ये आ गया एम्प्लॉयज फंड इंडिया। ये आ गई है एम्प्लॉयज फंड इंडिया वाली वेबसाइट। इसका हमें सिर्फ कैजे और डेटा क्लियर करना है, तो हमें क्लिक करना होगा क्लियर पे। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब अगेन आपको उसके न्यू टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिर से आना है यहाँ पे और क्लिक करना है मोर टूल्स और यहाँ क्लिक करना है एक्सटेंशन पे। यहाँ आपको अपनी सारी जो गूगल एक्सटेंशन है वो सब रिमूव करनी है। क्लिक ऑन रिमूव, तो इस पर क्लिक करना रिमूव, तो हमारे सारे एक्सटेंशन जो है वो डिसेबल हो गई है। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। अब ये करने के बाद आपको अपना वीपीएन ऑन करना है जो कैर करना यूएसए में, स्टार्ट यूपीएन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब इसके बाद आपको जाना है इस वेबसाइट पे और उसको करना रीलोड, जैसे ये बोला रीलोड, तो हमें इस वेबसाइट को रीलोड करना है। थोड़ा सा लैग होगा क्योंकि हमारा जो नेट है वो वीपीएन से कनेक्टेड है। तो हमारी जो वेबसाइट वो लोड हो चुकी है, अब हम जाएंगे इसकी वेबसाइट पे। तो इस ये सारे स्टेप्स थे और उम्मीद है आपको सारी वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर ये सारे स्टेप्स काम ना करें तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ इनका, जो इनका नंबर है इनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनका नंबर है 1800 1, फिर 1800 5। इनका टोल फ्री नंबर है, आप इनको 9:15 से रात के 5:45 बजे तक, शाम के 5:30 बजे तक इनको कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। तो ये तुम्हारी अच्छी वीडियो हो, आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो, बाय।